चैनल में आपका स्वागत है और आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता ब्रेड टोस्ट। ये बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है, खाने में टेस्टी लगता है और हेल्दी भी होता है। रवास्की की इंग्लिशियस रेसिपी को सब्सक्राइब करें और वीडियो की तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो ये हमने ब्रेड लिया है, मैंने सफेद वाला ब्रेड लिया है, मैदे वाला ब्रेड है। आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मल्टीग्रेन वाला जो ब्रेड आता है उसे भी ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। हमने लिया है आधा कप बेसन, इसे इसके अंदर डाल देंगे। 2 चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप आधी कटोरी चावल आप कपड़े से पोंछ कर मिक्सर जार में पीस सकते हैं, बहुत अच्छा आटा बनकर तैयार होता है। तो इसे हम इसके अंदर डाल देंगे, इससे नाश्ता हमारा क्रिस्पी बनेगा, टेस्टी बनेगा। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा ही पानी डालना है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसका बैटर बहुत पतला नहीं होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए जितना ब्रेड में अच्छी तरीके से लिपट जाए। तो करीब आधा ग्लास पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देख सकते हैं चावल का आटा और बेसन को जो मैंने घोल करके रखा था, ये काफी गाढ़ा हो गया है, थोड़ा सा फूल भी गया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ चीजें डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है इसे डाल देंगे। आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी मिर्च हेल्दी होती है इसलिए हमने हरी मिर्च लिया है। नमक हमें स्वाद अनुसार लेना है, 1/2 छोटा चम्मच मैंने नमक ले लिया है। हमने 1/2 शिमला मिर्च को छोटे टुकड़े में काट लिया है, आपके पास जो भी हरी सब्जियां हैं आप डाल सकते हैं, पत्ता गोभी डाल सकते हैं, बीन्स डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो। और हमने 1 टमाटर लिया है छोटे साइज का, इसे भी काट कर इसके अंदर डाल देंगे, मैंने छोटे साइज में काट लिया है। 1 छोटी साइज की प्याज को मैंने छोटे टुकड़े में काट लिया है और इसे मैंने धो करके रख लिया है, इसे भी डाल देंगे। 1 चम्मच हरी धनिया कटी हुई और 1/2 चम्मच हमने पुदीने की पत्ती लिए हैं, इसे भी डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छी खुशबू आती है इससे। चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम ब्रेड टोस्ट बनाना शुरू करते हैं। तो ब्रेड टोस्ट को सेकने के लिए मैंने गैस पर तवा रख दिया है, मैंने नॉनस्टिक तवा रखा है, आप चाहे तो लोहे का तवा भी रख सकते हैं और उस पर भी सेक सकते हैं। तो हमने 1 चम्मच तेल डाल दिया है तवे पर, इसे अच्छी तरीके से फैला देंगे और इसे गर्म होने देंगे मीडियम आंच पर। और जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है हम ब्रेड को तैयार कर लेते हैं सेकने के लिए। तो 1 पीस ब्रेड हम उठाएंगे, आप चाहे तो इसे किनारों को हटा भी सकते हैं और रख भी सकते हैं। तो हमें इसके अंदर इसे डाल देना है और अच्छी तरीके से बेसन में लगा देना है, अच्छे से डिप करना है। तो इधर तवा हमारा गर्म हो चुका है, इसको मीडियम रखेंगे। पूरे ब्रेड में अच्छे से बेसन को लगा देना है और सब्जियों को भी, बस इस तरीके से हमें उठाना है और तवे पर रख देना है। बहुत हेल्दी और टेस्टी नाश्ता इसका बनकर तैयार होता है। और ऊपर से थोड़ी सी सब्जियां और डाल देंगे, थोड़े से कटे हुए टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज इसपे डाल देंगे। तो मैंने ऊपर से हरी सब्जियां डाल दिया है। तो आंच को हमें तेज नहीं रखना है, मीडियम या फिर स्लो मीडियम पर ही रखना है। इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, तो 2 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। और आप देख सकते हैं पीछे साइड भी कितने अच्छी तरीके से सिक गया है। तो थोड़ा सा तेल डालते हैं, ज्यादा जरूरत नहीं है डालने की, अगर आप ना चाहें तो ना भी डालें, बस थोड़ा सा डाल देंगे और इसे ढक देंगे 2 मिनट तक, फिर से इसे हम पकने देंगे। चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो ब्रेड टोस्ट हमारा अच्छे से सिक गया है, इसे हम पलट देते हैं और आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से सिक गया है, इसका कलर भी हल्का सा ब्राउन हो गया है। तो ये कहीं से भी कच्चा नहीं है, अगर आप चाहें तो और भी सेक सकते हैं इसे। तो इसे हम प्लेट में निकालते हैं।
और इसी तरीके से सारे ब्रेड को हम सेक करके तैयार कर लेते हैं। सारे ब्रेड टोस्ट हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, इसे भी निकाल लेते हैं और गर्मा गर्म नाश्ता हमारा खाने के लिए तैयार है। तो चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे फटाफट बना सकते हैं जब भी आपको खाना हो। तो मैंने इसे टोमेटो केचप के साथ रखा है, आप अपनी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे ही खाने में बहुत टेस्टी लगता है, चाय के साथ इसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इस नाश्ते को बनाइए, खाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए आपका ब्रेड टोस्ट कैसा बना। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।